अगर आप क्रिएटर या फिर एडिटर हो, आपने वीडियो तो 4K के अंदर शूट कर ली, लेकिन फिर भी वो प्रोफेशनल लेवल का मजा नहीं आ रहा। आपके पास कितना ही महंगा कैमरा या माइक क्यों ना हो, और बैकग्राउंड का तो कोई जवाब ही नहीं, और जो राइटिंग सेटअप वो तो कतई कहीं नेक्स्ट लेवल का हो, उसके बाद भी जो भी प्रोफेशनल लेवल की फीलिंग है वो भी ना आए, तो ऐसी वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं। बट इस सब का क्या फायदा जब तक आपको आम सी एडिटिंग नहीं आती। बड़े से बड़े क्रिएटर बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर और महंगे प्रीमियम की तरफ भागते हैं ताकि उन्हें और ज्यादा जो कि वीडियो ट्रांजेक्शन इफेक्ट वगैरह मिल सके, लेकिन वो सबसे कुछ नहीं होने वाला। आज मैं आपको ऐसी सिंपल तरह से बहुत सी जानकारी देने वाला हूँ, इफेक्ट्स बताने वाला हूँ, जिससे कि आप एकदम अच्छी वीडियो एडिट कर सकते हो, जो कि मैं खुद भी वीडियो के अंदर यूज करता हूँ। मुझे पता है जैसे मैं न्यू यूट्यूब क्रिएटर है, पर यार इतनी बुरी भी नहीं होती मेरी वीडियो एडिटिंग। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ऑल ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आपको किसी भी तरह कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले वीडियो शूट करने के बाद आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको वीडियो काट लेना, और किसी भी एडिटिंग ऐप के अंदर जाकर जो तो फालतू का पार्ट है उसे कट कर देना। याद रहे जहां पर भी आपका कट लगे, जो मतलब मेन टॉपिक के बाद और टॉपिक आए, या एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर कोई वहां पे आपको कोई ना कोई ट्रांजेक्शन या कोई इफेक्ट जरूर लगाना, जिससे कि वीडियो थोड़ी स्मूथली बन जाती है, जो काफी ज्यादा अच्छी बनती है, जो कि मैं खुद यूज करता हूँ। जो मैं इस वीडियो में खुद यूज करता हूँ वो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जो बहुत से ऐसे होते हैं जो कि कैपकट और वीएन के अंदर है, वो तो आपको उसी के अंदर जानने पर मिलेंगे। और आपको याद रहे जब भी आप एक स्क्रीन से दूसरे में ट्रांजेक्शन इफेक्ट कुछ भी लगाते हो तो भारी इफेक्ट ना लगाइए, जिससे जो जितना ज्यादा भारी इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा हमारी वीडियो जो ट्रांजेक्शन है वो खराब हो जाएगी। आप मेहनत कीजिए, आप ऐसे ऐसे यूट्यूबर आपको बहुत से इफेक्ट मिल जाएंगे जो काफी ज्यादा हल्के और स्मूथली होते हैं, जिससे वीडियो काफी ज्यादा अच्छी और क्लिकेबल बन जाती है। आपके पास कितना ही महंगा माइक है, फिर आपकी वॉइस कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जो आपको वॉइस है वो खुद को एडिट करनी है, ताकि उसके अंदर जो भी नॉइज है वो रिमूव हो सके और वॉइस स्मूथली बन सके, जो कि सुनने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। इसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसके लिए सबसे जो मोबाइल के लिए बेस्ट ऐप है लैक्सिस ऑडियो, उसको काम में ला सकते हो। आपको जाना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर इस सबसे भी बात ना बने तो आप इस ऐप का और यूज कर सकते हो। अगर बैकग्राउंड में एक हल्का सा म्यूजिक लग जाए तो मजा आ जाएगा, लेकिन याद रहे म्यूजिक हमेशा आपको कॉपीराइट फ्री लगाना, कहीं उस पर कॉपीराइट आ गया तो वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब इतना सब करने के बाद आपको सिर्फ अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना, अदरवाइज आप लैपटॉप या पीसी या तो कोई जरूरत नहीं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जो भी आप अपने वीडियो में टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो लिख देना, और याद रहे साउंड इफेक्ट के साथ लिखना, और अपने जो वीडियो है उसके अंदर कलर ग्रेडिंग जरूर करनी है, फिल्टर जरूर लगाने, जिससे क्या होगा अपने वीडियो के अंदर थोड़ी जान आ जाएगी, जो वीडियो की क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी, वीडियो काफी ज्यादा अच्छी और स्मूथली लगेगी। तो आई होप आज जो भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया उन्हें दिल से धन्यवाद। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, प्लीज सब्सक्राइब करो, बिल्कुल पैसा नहीं लगता। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।